To get more video, subscribe my channel and hit the bell icon. Hello friends, welcome to my YouTube channel Versatile Ashutosh. आज हम बात करने जा रहे हैं कि पैसा इन्वेस्टमेंट करें तो आखिर कहाँ करें, क्योंकि इंडियन स्टॉक मार्केट जो लगातार गिर रहा है, आप देखिए कंटिन्यूसली गिरता जा रहा है। और स्मॉल और मिड कैप की बात करें तो इतने ज़्यादा गिर चुके हैं कि अगर आपने स्मॉल और मिड कैप के अगर उसमें स्टॉक लिए होंगे अभी साल दो साल के अंदर अगर लिए होंगे या फिर म्यूचुअल फंड भी अगर लिए होंगे तो वो सारे रेट हैं। स्टॉक्स की स्थिति तो इतनी ख़राब है कि जिसने स्टॉक में इन्वेस्ट किया होता है वो तो 30-40-80% तक वहाँ पर करेक्शन हो चुका है, मतलब काफ़ी ज़्यादा नुकसान हो चुका है। और म्यूचुअल फंड्स की बात करें तो वहाँ नुकसान हुआ, लेकिन कम नुकसान हुआ, लेकिन फिर भी सारे पोर्टफोलियो जो है पूरी तरह से रेड में चल रहे हैं। तो आप इन्वेस्टमेंट करें तो आखिर कहाँ करें, क्योंकि आप देख रहे हैं सबसे ज़्यादा मार्केट इंडियन मार्केट को सबसे ज़्यादा प्रेशर जो है वो प्रेशर है क्रूड ऑयल का। क्रूड ऑयल का दाम लगातार बढ़ते जा रहे हैं। और बात करें डॉलर की तो डॉलर भी लगातार अप्रिशिएट होता जा रहा है, हमारा रुपया जो लगातार डिप्रिशिएट होता जा रहा है, उस कारण से जो है FII भी लगातार सेलिंग करती जा रही है, तो उस कारण से हमारा मार्केट लगातार गिरता जा रहा है। अब सबसे बड़ी समस्या ये हो गई कि अब इन्वेस्टमेंट करेगा तो उसके लिए मैं आपको बताने जा रहा हूँ, आप थोड़ा सा अपने पोर्टफोलियो में अगर डाइवर्सिफिकेशन चाहते हैं, आप चाहते हैं कि हम जो इंडियन स्टॉक मार्केट अगर गिर रहा है और कोई बाहर का मार्केट बढ़ रहा है तो जो बाहर के मार्केट से फ़ायदा मिले, तो अगर आप चाहते हैं कि आपका पैसा जो है बाहर की बड़ी बड़ी कंपनियों में इन्वेस्ट हो, जैसे कि मान लीजिए अगर US की बात करें तो एप्पल है, गूगल है, माइक्रोसॉफ्ट है, ऐसी बड़ी बड़ी कंपनियों में इन्वेस्टमेंट करें जिसका फ़ायदा मुनाफा काफ़ी ज़्यादा बढ़ा है, फेसबुक काफ़ी मुनाफा बढ़ा इनका, अगर यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो इसके लिए सबसे आसान तरीका है इंटरनेशनल फंड्स। ये इंटरनेशनल फंड्स एक तरह के म्यूचुअल फंड्स हैं जिनमें आप इन्वेस्टमेंट करेंगे तो यहाँ के जो इसमें जो फंड मैनेजर होते हैं वो फंड मैनेजर जो फॉरेन की कंपनी में इन्वेस्टमेंट करते हैं। तो यहाँ पे कंट्री स्पेसिफिक फंड होते हैं, कुछ फंड होते हैं जो म्यूचुअल फंड्स होते हैं इंटरनेशनल फंड, वो कंट्री स्पेसिफिक भी होते हैं, कुछ रीजन स्पेसिफिक होते हैं, तो इस तरह से वहाँ पे आप कुछ थेमेटिक फंड होते हैं, तो उस तरह से आप जो जिससे आपकी चॉइस है उस तरह से चॉइस के अकॉर्डिंग आप वहाँ पे इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तो इंटरनेशनल फंड्स में अगर आप इन्वेस्टमेंट करेंगे तो वहाँ पे आपको जो अगर डॉलर अगर हमारा रुपया जो है अगर हम US में इन्वेस्टमेंट करते हैं, मान लीजिए US की कंपनी में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो हमारा रुपया कंटिन्यूसली डिप्रिशिएट हो रहा है, डॉलर अप्रिशिएट हो रहा है, तो अगर US में हमारा जो भी कंपनी में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो वहाँ पे जो हमारा एप्रिसिएशन होगा वो तो होगा ही होगा, साथ में डॉलर में जो एप्रिसिएशन हो रहा है उसका हमें डबल फायदा मिलेगा। ठीक है, तो ये काफ़ी एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है आपके लिए। आइए मैं बताता हूँ आपको किस तरह से आप इंटरनेशनल फंड्स कौन कौन से फंड्स हैं और कहाँ कहाँ पैसा इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, आइए देखते हैं। करने वाले हैं इंटरनेशनल फंड्स के बारे में, तो इंटरनेशनल फंड देखने के लिए हम सबसे पहले valuesearchonline.com पर जाएंगे। ये हमने वेबसाइट को ओपन किया, ओपन करने के बाद हम जो है फंड्स पर क्लिक करते हैं। जैसा कि आपने देखा होगा, जैसा कि मैंने आपको बताया कि US में जब शटडाउन हुआ था, दो देश के लिए शटडाउन हुआ था, अगर वैसा शटडाउन अगर इंडिया में हो जाता तो एक ही दिन में हमारा जो है सेंसेक्स जो है 5-10% गिर जाता, बट वहाँ का इकोनॉमिक सिस्टम काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, वहाँ के शेयर उसके बाद में भी वहाँ के जो है कंपनियों में इतनी कंपनीज जो जितनी भी कंपनी है वहाँ की उतनी गिरावट वहाँ पर नहीं देखा गई है। ठीक है, अब देखिए मैं आपको दिखाता हूँ कि यहाँ पर आपको किस तरह से आप इंटरनेशनल फंड्स का हमने सिलेक्शन किया, किस तरह से आपको यहाँ पर बेनिफिट मिल सकता है, आप किस तरह से अपना पोर्टफोलियो में थोड़ा सा डाइवर्सिफिकेशन कर सकते हैं कि इंडियन मार्केट अगर गिर भी रहा है और US मार्केट अगर बढ़ रहा है तो उसका बेनिफिट आपको मिल सकता है। जैसे कि इंडियन मार्केट अभी गिर क्यों रहा है, इंडियन मार्केट गिरने का सबसे बड़ा कारण जो है क्रूड ऑयल और डॉलर का प्रेशर जो हो रहा है। ठीक है, तो वो उसका अगर उस वो ना होते हुए अगर हम दूसरी जगह इन्वेस्टमेंट करते थोड़ा पैसा हमारा डाइवर्सिफाइड हो जाता। अब यहाँ पे देखिए एक साल की अगर हम बात करें तो ये मोतीलाल ओसवाल का जो एक्सचेंज ट्रेडेड फंड है जो कि नासडाक जो एक्सचेंज है US का उसके इंडेक्स को रेप्लिकेट कर रहा है। अब एक्सचेंज ट्रेडेड फंड होते क्या है, ये जो होते हैं इंडेक्स जो फंड होता है, इंडेक्स जो होता है जैसे हमारा निफ्टी 50 है उसके इंडेक्स को परफॉर्मेंस को रेप्लिकेट करता है। उसके बारे में मैंने पूरा एक वीडियो बनाया हुआ ऑलरेडी वीडियो बनाया हुआ, आप चाहे तो वीडियो को देख सकते हैं किस तरह से इसको बाय किया जाता है और किस तरह से इसमें इन्वेस्टमेंट किया जाता है, पूरा मैंने बताया क्या होते क्या है, किस तरह से इनका परफॉर्मेंस कैसे क्या हमें चेक करते हैं। ठीक है, अब ये दूसरे जो जितने फंड है सारे नॉर्मल म्यूचुअल फंड हैं, ये भी म्यूचुअल फंड है बट ये एक्सचेंज ट्रेडेड फंड है। ठीक है, अब इसको लेने का तरीका ये डायरेक्ट हमें जो है डीमेट के थ्रू लेना होगा और ये जो डायरेक्ट हम जिस तरह से SIPO कर लेते हैं उस तरह से हम ले सकते हैं। अब हम देख रहे हैं यहाँ पर कि सबसे पहले हम देखते हैं इस अगर हम फंड को देखें तो इसका फंड का परफॉर्मेंस कैसा है और क्या क्या यहाँ पे होल्डिंग्स है, आप कहाँ इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं वो हम देखते हैं इस बात है इसमें। अब देखिए आप यहाँ अगर हम बात करें तो जब से ये लॉन्च हुआ है ये फंड तब से 24% का इसने रिटर्न दिया है।
अब आप देखिए यहाँ 1 month में इसमें पॉजिटिव रिटर्न है, सब दूर पॉजिटिव रिटर्न, देखिए 5 ईयर में 21% रिटर्न है अगर हम देखें इस फंड का। और दूसरी चीज यहाँ पे जो जायंट, जो सबसे बड़ी लार्ज से भी जो बड़ी कंपनियां होती है उनमें इसका पूरा पैसा पूरा इन्वेस्टमेंट है। अब कंपनियां होल्डिंग्स देखिए उसकी, एप्पल है, अमेजन है, माइक्रोसॉफ्ट है, अल्फाबेट है, फेसबुक, मतलब कितनी देखिए आप कितनी बड़ी बड़ी कंपनियों में यहाँ पैसा इन्वेस्टमेंट किया गया है। तो यहाँ पे आपका लॉसेस होने की संभावना बहुत कम हो जाती है क्योंकि काफी बड़ी बड़ी कंपनियां हैं। ठीक है, स्मॉल कैप में जनरली क्या है, हम ज्यादा रिटर्न के लिए स्मॉल और मिड कैप में इन्वेस्टमेंट करते थे, वहाँ पे भयंकर जल्दी से क्रैश, बहुत जल्दी क्रैश हो जाता है। बट इतनी यहाँ पे अगर कुछ नुकसान भी होगा तो इतना जल्दी नुकसान यहाँ पे होगा नहीं। आप देख सकते हैं कि अगर 24% का रिटर्न कर दे रहा, 5 ईयर में भी 21% का रिटर्न दे रहा, तो कुछ भी बुरा नहीं यहाँ पर। मतलब बड़ी लार्ज जॉइंट कंपनी में इन्वेस्टमेंट करने के बाद में अगर इतना रिटर्न हमें मिले तो काफी मतलब अच्छा रिटर्न मानता हूँ मैं इस चीज को। आप देख सकते हैं यहाँ पे और भी बहुत सारे फंड्स हैं, अगर आप देखें तो यूएस के इक्विटी, रिलायंस का यूएस इक्विटी अपॉर्चुनिटी फंड है, अगर वो देख सकते हैं। तो काफ़ी फंड्स यहाँ पे अवेलेबल है जो कि इंटरनेशनल, जिनका इंटरनेशनल जो फॉरेन की कंपनी है उनमें वहाँ का इन्वेस्टमेंट है। अगर आप देखें कंट्री स्पेसिफिक फंड भी होते हैं, जैसे कि जापान इक्विटी है, जापान की कंपनी में यहाँ पे इन्वेस्टमेंट किया गया। आप देखिए जापान की कंपनियों में यहाँ पे इन्वेस्टमेंट किया गया, पहले तो यूएस वाला देखते हैं। ये देखिए ये फंड अगर हम बात करें, इस फंड की अगर हम बात करें तो आप देखिए 3 ईयर में इसका जो 17% रिटर्न है कोई बुरा नहीं है। आप देख सकते हैं यहाँ पर जो है सारा जो इन्वेस्टमेंट है वो सारा जो है बड़ी लार्ज से भी बड़ी जो कंपनियाँ होती है, जॉइंट कंपनियों में इन्वेस्टमेंट है। अगर आप बात करें तो देखिए कंपनी वहाँ की जो बुकिंग होल्डिंग है यहाँ पे, उसके अलावा देखिए आप फेसबुक है, अल्फाबेट, सारी बड़ी बड़ी कंपनी में इन्वेस्टमेंट है यहाँ पर। अगर हम जापान की बात करें तो ये जापान का वाला हम फंड, अगर आप जापान वाली कंपनी में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो तो यहाँ से आप कर सकते हैं। जब से लॉन्च हुआ तब से 7.9% का रिटर्न है, 3 ईयर में इसका 9.9% रिटर्न है। तो ये आप जैसा चाहते हैं, जिस अगर आप फ्रेंकली यूरोपियन ग्रोथ, यूरोपियन कंपनियों में करना चाहते हैं वो वहाँ कर सकते हैं आप। तो बेटर है कि जब से सबसे बढ़िया, तो अगर हम बात करें सबसे बढ़िया तो जो है अगर हम बात करें तो ये यूएस की कंपनी, यूएस के म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करना ज़्यादा बेटर है। क्योंकि यहाँ पे जो इस म्यूचुअल फंड्स में क्या होता है कि यूएस की कंपनी में जहाँ इन्वेस्टमेंट हो रहा है वो क्या है कि काफ़ी बड़ी कंपनियाँ, देखिए सब बड़ी बड़ी कंपनियाँ, तो काफ़ी अच्छा रिटर्न मिलने की बहुत ज़्यादा प्रॉबिलिटी है यहाँ पर। ठीक है, तो मैंने इस वीडियो बनाने का मेरा उद्देश्य यही था कि अगर इंडियन मार्केट में जैसा आप देख रहे हैं काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे जो बियरिश मार्केट हो रहा है, काफ़ी ज़्यादा गिर रहा है, तो आप आपके पोर्टफोलियो को थोड़ा सा डाइवर्सिफिकेशन कैसे दें। आप जैसे कि इंडियन मार्केट गिर रहा है तो फॉरेन मार्केट से आपको बेनिफिट मिल जाए थोड़ा बहुत, तो इस तरीके से आप यहाँ पे इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो सब्सक्राइब माई चैनल, थैंक यू वेरी मच।